हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन KD क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? तो बेटा, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, डाइजेशन जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था, तो उसमें हमने ह्यूमन में डाइजेशन फूड जो है वो स्टमक तक पढ़ लिया था। ठीक है, कि स्टमक में फूड का डाइजेशन किस तरह से होगा और वहाँ से जो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी उसे क्या कहेंगे, इन सब बातों की बात हमने कर ली थी। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, जिसमें आपको एक तो कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि बोलस क्या होता है। ठीक है, एक आपको ये बताना है कि काइम क्या होता है। इन दोनों वो जो है बोलस और काइम, इन दोनों के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। ठीक है बेटा, उसके साथ साथ आप मेरे को ये बताएंगे कि स्टमक में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो चाइल्डहुड स्टेज में एक्टिव होता है। ठीक है, ऐसा एंजाइम जो चाइल्डहुड स्टेज में एक्टिव रहता है उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिख भेजना है। तो ये जो ब्यूकल कैविटी और स्टमक, यहाँ तक डाइजेशन हमने पढ़ लिया था। आज जो हमें बात करनी है उसमें पढ़ना है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन किस तरह से होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, ये है इंटेस्टाइनल डाइजेशन। इंटेस्टाइनल डाइजेशन में सबसे पहले क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फूड कहाँ से आया, स्टमक से आया, और स्टमक से जो फूड आया था उसे हमने क्या कहा था, काइम कहा था। स्टमक से जो फूड आया उसे हमने काइम कहा था, ये हमें याद रखना है। ठीक है ना, ये है स्टमक से जो फूड आया उसे हमने काइम कहा था। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एसिडिक काइम हैविंग कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन स्लोली मूव्स इनटू ड्यूओडेनम। कि जो काइम है वो धीरे धीरे ड्यूओडेनम, जो इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूओडेनम, वहाँ आता है। वहाँ पर हमें पता है कि वहाँ पर बर्नर्स ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए बेटा, आपको बताया हुआ है बर्नर्स ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन की, जब हम एनाटॉमी की बात कर रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको बर्नर्स ग्लैंड के बारे में बताया था। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे कि बर्नर्स ग्लैंड क्या होती है। ठीक है, उनकी लोकेशन क्या रहती है। तो बर्नर्स ग्लैंड जो है, जैसे ही काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगी, बर्नर्स ग्लैंड जो है वो एक एल्केलाइन लिक्विड का सिक्रीशन करेगी। ठीक है, एक एल्केलाइन लिक्विड का सिक्रीशन करेगी जिसमें एल्केलाइन लिक्विड होगा और साथ साथ में उसमें म्यूकस रहेगा। अब देखिए इस एल्केलाइन लिक्विड का क्या फंक्शन है यहाँ पर, क्योंकि देखिए इस एल्केलाइन लिक्विड की जो पीएच है वो होती है 8 to 9, 8 to 9 इसकी पीएच रहती है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो स्टमक से फूड आ रहा है वो क्या है, एसिडिक नेचर में था। ठीक है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का डाइजेशन है वो बेसिक नेचर में होगा। ठीक है, और साथ साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो एसिड के इफेक्ट से डैमेज ना हो जाए, तो उन सब को इंश्योर करने के लिए, उन सब से बचने के लिए जो इंटेस्टाइन की बर्नर्स ग्लैंड है वो एक एल्केलाइन लिक्विड सिक्रीट कर रही है। एल्केलाइन लिक्विड सिक्रीट करेगी जिससे क्या होगा, स्टमक की वॉल जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी। ठीक है, दिस एल्केलाइन लिक्विड पीएच 8 to 9 प्रोटेक्ट्स ड्यूओडेनम वॉल फ्रॉम एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब उसके साथ साथ ड्यूओडेनम जो है उसमें हम पढ़ रखा है एनाटॉमी के टाइम पर कि जो हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, जो लीवर का बाइल जूस और पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस दोनों को कैरी कर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम पार्ट में लाती है, तो वो दोनों यहाँ ड्यूओडेनम में ओपन होते हैं। कहने का मतलब पैनक्रियाटिक एंड बाइल जूस ऑल्सो एंटर्स इन ड्यूओडेनम। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ बाइल न्यूट्रलाइज काइम एंड रेड्यूसेस इट्स एसिडिटी। पैनक्रियाटिक जूस जो है उसके अंदर जो बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, वो जो है वो काइम की एसिडिटी जो है उसे दूर कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है केमिस्ट्री के पोर्शन में कि एसिड और बेस जो होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस यहाँ रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वर्किंग है, जो फिजियोलॉजी है वो स्टार्ट होगी। देखिए कैसे, इंटेस्टाइनल जूस कंटेंस हाइड्रोलाइट्स एंड वाटर इन हाई अमाउंट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइन जो जूस सिक्रीट करेगी उसे इंटेस्टाइनल जूस कहेंगे, और इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसमें हाइड्रोलाइट्स मतलब एंजाइम और जो वाटर है वो हाई अमाउंट में रहते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब वर्चुअली एब्सेंट का मतलब यहाँ क्या है कि इनएक्टिव फॉर्म में वो रहेंगे, उनको एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है,
इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, उन्हें एक्टिव करना पड़ेगा। अब इट इज़ जो इंटेस्टाइनल जूस है वो भी एल्केलाइन ही होगा, क्योंकि जो पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर नेचर एल्केलाइन रहेगी, तो इट इज़ स्लाइटली एल्केलाइन। पीएच 7.5 to 8, इस जो इंटेस्टाइनल जूस है उसकी पीएच 7.5 to 8 होती है। अब क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीटेड बाय एंटेरोसाइट सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड हैं उनमें एंटेरोसाइट सेल्स होती है, ये भी हमने पढ़ रखा है एनाटॉमी के टाइम। तो एंटेरोसाइट्स जो सेल होती हैं वो जो एंजाइम्स बनाती है उन एंजाइम्स की हेल्प से जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। और ये भी हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूओडेनम पार्ट है उसमें मैक्सिमम डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। क्या है, देखिए, मैक्सिमम डाइजेशन कंप्लीट्स इन ड्यूओडेनम व्हाइल एब्जॉर्प्शन कंप्लीट्स इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। डाइजेशन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कहाँ रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम पार्ट में रहेगा, और जो रिमेनिंग प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन की वो कहाँ होगी, जो रिमेनिंग दो पार्ट्स रह गए हैं हमारे पास उन दोनों में होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो पूरा डाइजेशन की प्रोसेस होती है, डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो अप्रोक्स टाइम रहता है वो रहता है 4 to 5 hours। 4 to 5 hours जो टाइम है वो डाइजेशन की प्रोसेस में स्मॉल इंटेस्टाइन में लगता है। जबकि मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टमक में डाइजेशन के लिए टाइम कितना लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए कि हाउ मच टाइम फूड टेक्स टू डाइजेस्ट इन स्टमक। ठीक है, तो फूड का डाइजेशन कंप्लीट होने में स्टमक में कितना टाइम लगेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। उसके बाद क्या रहता है, देखिए सबसे पहले बाइल साल्ट अपना जो बाइल जूस है वो अपना वर्क करेगा। कैसे करेगा, देखिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बड़ा ही केयरफुल रहना है आपको इस टॉपिक में। ठीक है, बाइल साल्ट्स जो हैं उसमें हमें पता है बाइल एसिड भी होते हैं, साथ में उसमें साल्ट भी होते हैं सोडियम और पोटेशियम के, जो हमने पहले से पढ़ रखे हैं। बाइल जूस का जो हमने कंपोजिशन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ रखा है कि बाइल साल्ट में बाइल एसिड साल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं, उसके साथ लेसिथिन जो है वो भी होता है। लेसिथिन क्या है, लेसिथिन जो था वो एक बाइल पिगमेंट था। तो ये सब जो हैं ये इमल्सिफिकेशन, फैट के इमल्सिफिकेशन में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कैसे, देखिए ये एक डिटर्जेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है ना, डिटर्जेंट की तरह, कैसे कि इसमें जो है, मैं आपको एक पिक्चर की हेल्प से समझाऊं। देखिए ये एक पिक्चर है, अब यहाँ हमारे पास ये फैट ग्लोब्यूल है और ये एक बाइल साल्ट है। बाइल साल्ट में दो साइड है, एक हाइड्रोफोबिक साइड एक हाइड्रोफिलिक साइड। येलो कलर जो है वो हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफिलिक जो है वो ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें पता है फैट जो होती है वो भी हाइड्रोफोबिक होती है और बाइल साल्ट का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो बाइल साल्ट का हाइड्रोफोबिक पार्ट और फैट ग्लोब्यूल दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। देखिए ये बीच में ये बाइल साल्ट है और ये जो येलो कलर वाला पार्ट है हाइड्रोफोबिक पार्ट, इसने चारों तरफ से इसे कवर कर लिया है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर की तरफ है। अब बाहर की तरफ होने से क्या होगा, देखिए बाहर की तरफ होने से यहाँ जो है ये जो अरेंजमेंट इस तरह से, ये जो अरेंजमेंट बना है, इस अरेंजमेंट में क्या होगा कि जो ये मॉलिक्यूल बना, इस मॉलिक्यूल का जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाएगा। सरफेस टेंशन जो है वो बढ़ जाएगा। अब सरफेस टेंशन बढ़ने से क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ने से ये मॉलिक्यूल बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा, ये इस तरह से बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा, और बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा तो ये फैट ग्लोब्यूल बीच से टूट जाएगी, बीच से टूट जाएगी। और हमें पता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल। तो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में किस तरह से कन्वर्ट हुआ, एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल थी उसको बाइल साल्ट ने चारों तरफ से कवर किया। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट और फैट ग्लोब्यूल आपस में स्टिक हो गए, हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ रहा। इस अरेंजमेंट के कारण एक स्ट्रक्चर बन गई जिसकी सरफेस टेंशन हाई हो गई। सरफेस टेंशन हाई होने से क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल है फैट ग्लोब्यूल का वो टूट गया, और टूट गया तो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हमने इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कह दिया। ठीक है बेटा, तो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की प्रोसेस रहती है। देखिए वन पार्ट ऑफ बाइल साल्ट एंड लेसिथिन मॉलिक्यूल आर पोलर एंड अदर पार्ट इज नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर को हाइड्रोफोबिक कहेंगे, पोलर को हाइड्रोफिलिक कहेंगे। द नॉन पोलर पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट डिजोल्व इन सरफेस ऑफ फैट ग्लोब्यूल, एंड पोलर जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो डिजोल्व रहेगा वाटर में। ठीक है, अब इससे क्या होगा, उससे क्या जो है
फैट ग्लोब्यूल का सरफेस टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। मैंने आपको वहाँ सॉरी इंक्रीज बता दिया, जो फैट ग्लोब्यूल का जो सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि देखिए बेटा, जब किसी भी केमिकल का फैट जो सरफेस टेंशन है वो जब रिड्यूस होगा तो वो चारों तरफ फैलेगी। जब सरफेस टेंशन किसी भी केमिकल का सरफेस टेंशन जो है वो रिड्यूस होगा तो वो चारों तरफ फैलेगी, और इंक्रीज होगा तो वो एक जगह इकट्ठी रहेगी। मतलब हम कह सकते हैं वाटर का सरफेस टेंशन कम है, ठीक है ना, वाटर का सरफेस टेंशन कम है, जबकि हम ये कहें कि जो अदर जैसे हम बहुत से केमिकल्स देखते हैं जो फैलते कम है, उनका सरफेस टेंशन जो है वो हाई है। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ, यहाँ से फैट ग्लोब्यूल का सरफेस टेंशन रिड्यूस हो गया, जिससे क्या हुआ, ये बाहर की तरफ मूवमेंट हुई, जिससे क्या है, रिजल्टिंग ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इंटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल, ठीक है। और इसे हमने क्या कह दिया, दिस एक्टिविटी इज़ नोन एज इमल्सिफिकेशन। अब देखिए इमल्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, बात ये भी तो ज़रूरी है ना कि सर इमल्सिफिकेशन करने से फूड का जो फैट है, फैट का इमल्सिफिकेशन करने से क्या बेनिफिट हुआ। तो देखिए जो इमल्सिफाइड फैट होती है, मतलब स्मॉल साइज़ के जो फैट ग्लोब्यूल्स रहेंगे, इमल्सिफाइड फैट जो है उस पर जो एंजाइम्स हैं वो क्विकली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स जो हैं वो क्विकली रिएक्ट करेंगे इमल्सिफाइड फैट पर, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो फूड है, जो फैट है, उसका इमल्सिफिकेशन कर रहे हैं। समझ गए बात को, कि इमल्सिफिकेशन कैसे हुआ, इमल्सिफिकेशन करने में किसने रोल प्ले किया, कैसे इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई, और क्यों इमल्सिफिकेशन ज़रूरी है। तो ये सब बात हमने अभी तक कर ली है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, पेनक्रियाटिक जूस हैज़ प्रोटीन। अब बाइल जो जूस आया था उसने अपना काम कर दिया। अब बात आती है पेनक्रियाटिक जूस की। तो देखिए पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड इलास्टेज। ये सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड इलास्टेज। और ये जितने भी एंजाइम हैं इनको पेनक्रियाज ने सिक्रीट किया तो वो कौन सी फॉर्म में सिक्रीट किया, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस में जितने भी एंजाइम्स थे वो सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हुए। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले जो है, सबसे पहले कौन सा एंजाइम, सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन था, ट्रिप्सिन एंजाइम तो एक्टिव है, ट्रिप्सिनोजन होता है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होता है, और एक्टिव करने का फंक्शन उससे किसने किया, एंटेरोकाइनेज ने, ठीक है। जितने भी पेनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम थे उनको एक्टिव करने का फंक्शन किसका रहेगा, एंटेरोकाइनेज का रहेगा। और सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले कौन सा एंजाइम जो है वो एक्टिव होता है, तो वो ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होता है, और ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होकर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। अब जब सारे के सारे एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो अपना वर्क करेंगे। अब एंजाइम्स का क्या फंक्शन है, एंजाइम्स का फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ आपको दिखाया जा रहा है, ये ट्रिप्सिनोजन था, ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव था और ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिव है, और इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने का फंक्शन एंटेरोकाइनेज ने किया। उसके बाद काइमोट्रिप्सिनोजन जो था, या प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो इलास्टेज, ये सारे एंजाइम क्या थे, इनएक्टिव थे। कौन कौन से हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है, एक्टिव हो गया काइमोट्रिप्सिन। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इनएक्टिव है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्टिव। प्रो इलास्टेज इनएक्टिव है, इलास्टेज एक्टिव। तो ये तीनों अलग अलग एंजाइम्स के नेम हैं, और ये तीनों एक्टिव एंजाइम, ये तीनों इनएक्टिव थे, ये तीनों एक्टिव एंजाइम्स के नेम हो गए, ठीक है। ये सारा काम किसने किया, एंटेरोकाइनेज ने, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज ने किया, बाकियों को क्या करेगा, ट्रिप्सिन एक्टिव कर देगा। अब डाइजेशन होगा, डाइजेशन कैसे, देखिए बेटा हमने स्टमक में पढ़ा कि प्रोटीन जो था, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, ठीक है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, और प्रोटीन का डाइजेशन होकर वो किस में कन्वर्ट हुए थे, प्रोटीओज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, इनमें कन्वर्ट हुए थे।
अब जो पार्शियल डाइजेशन प्रोटीन का स्टमक में हुआ उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करना है, ठीक है? तो कैसे? जो प्रोटीओज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड काइम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे, उनको ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट करने के बाद उनको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड एंड डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? प्रोटीओज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड जो थे उनको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का फंक्शन ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन का रहेगा। उसके बाद जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड हैं उनको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज वापस से डाइजेस्ट करेगा और अमीनो एसिड एंड डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। आपको याद रखना है प्रोटीन की सबसे जो सिंपलर स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्रोटीन की सबसे सिंपलर स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड। अब जहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन हो और उसके बाद अमीनो एसिड बन जाए, इसका मतलब क्या है कि हम प्रोटीन के कंप्लीट डाइजेशन के पास हैं। अब देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे बेटा। प्रोटीओज, पहले प्रोटीन था स्मॉल इंटेस्ट स्टमक में, स्टमक में प्रोटीन को प्रोटीओज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट किया गया। फिर जो प्रोटीओज और पेप्टोन पॉलीपेप्टाइड थे उनको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ने स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट का, ठीक है? और ये काम कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड थे उनको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम ने अमीनो एसिड एंड डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट किया। ये इतना होने के बाद क्या होगा कि नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास, जो इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट रहता है फूड में, ठीक है ना? इलास्टिन फाइबर जो है, फाइबर्स जो हम अपनी डाइट में लेते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाए रखने का फंक्शन करते हैं, तो जो फाइबर है, फाइबर में इलास्टिन फाइबर होता है। इस इलास्टिन फाइबर को डाइजेस्ट करने का वर्क रहता है इलास्टेज एंजाइम का, ठीक है? इलास्टिन फाइबर को इलास्टेज एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना बेटा? अब देखिए नेक्स्ट आता है कि जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है, स्टार्च और ग्लाइकोजन जो थे अदर कार्बोहाइड्रेट हैं, इनको डाइजेस्ट करने का या इनको हाइड्रोलाइज करने का जो फंक्शन है वो कौन करेगा? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। मतलब ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सब जो हैं ये रेस्पॉन्सिबल थे प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए पेनक्रियाटिक एमाइलेज है। अब पेनक्रियाटिक एमाइलेज लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एमाइलेज सेलाइवा में भी प्रेजेंट था, तो सेलाइवा में जो एमाइलेज प्रेजेंट था वो सेलाइवरी एमाइलेज, पेनक्रियाज में जो एमाइलेज है वो पेनक्रियाटिक एमाइलेज, और पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो स्टार्च को, ग्लाइकोजन को और अदर कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है कि माल्टोज एंड ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? माल्टोज एंड ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, फिर से सुन लेना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट कर रहा है और उनको माल्टोज एंड ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, सर ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, माल्टोज क्या होता है? बेटा ये जब हम बायो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, ठीक है ना, तो बायोकेमिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे वहाँ हम इनके बारे में वापस अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? अभी आपको इतना ही याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का, ग्लाइकोजन का डाइजेशन होकर माल्टोज और ओलिगोसेकेराइड बनते हैं, और ये फंक्शन जो है वो पेनक्रियाटिक एमाइलेज करता है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो स्ट्रोंग एंजाइम होता है, और जितने भी स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जितने भी स्टार्च प्रेजेंट होते हैं ड्यूओडेनम में, उनको हाफ एन आवर में डाइजेस्ट कर देता है, इतनी इसकी पावर होती है। किसकी? देखिए पॉइंट को समझिए, पेनक्रियाटिक एमाइलेज इज ए स्ट्रोंग एंजाइम विच डाइजेस्ट ऑल स्टार्च प्रेजेंट इन ड्यूओडेनम नियर बाय विद इन हाफ एन आवर। पेनक्रियाटिक एमाइलेज की पावर के बारे में, कैपेसिटी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा है कि हाफ एन आवर में, आधे घंटे में सब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस जो है उसमें लार्ज अमाउंट में क्या होता है? लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है? लाइपेज एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करता है फैट में जो मॉलिक्यूल है ट्राइग्लिसराइड, उस ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट किया जाएगा, ठीक है? इमल्सिफाइड फैट होती है बेटा, इमल्सिफाइड फैट होती है, इमल्सिफाइड फैट में ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होता है। आपको मैं लिख के बताऊं कि इमल्सिफाइड फैट जो थी उस इमल्सिफाइड फैट में क्या प्रेजेंट रहता है? उस इमल्सिफाइड फैट में ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ट्राई
ग्लिसराइड, एक मिनट सॉरी चेंज कलर करता हूँ, ट्राई ग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट करने का जो फंक्शन रहता है वो है लाइपेज का। लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा और मोनोग्लिसराइड साथ साथ में मोनोग्लिसराइड में, ये ट्राइग्लिसराइड था ना, ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, क्या कौन सा एंजाइम था, पेनक्रियाटिक लाइपेज, मतलब जो पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस में जो लाइपेज एंजाइम था वो फैट जो है, फैट में कौन सा मॉलिक्यूल रहेगा, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में। यहाँ ये देखिए बेटा, जो मेन मेन कंपोनेंट्स हैं वो धीरे 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 डाइजेस्ट होते जा रहे हैं। पहले हमने प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ा, उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ा, उसके बाद हमने फैट का डाइजेशन पढ़ा, ठीक है। अब देखिए जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज एंड फॉस्फोलाइपेज ए ग्रेजुअली हाइड्रोलाइजेज कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड फॉस्फोलिपिड रेस्पेक्टिवली एंड सेपरेट फैटी एसिड फ्रॉम देम। देखिए बेटा क्या कहा जा रहा है कि दो एंजाइम के नाम आपको बताए हैं, एक तो ये कोलेस्टेरॉल एस्टर और कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज एंड फॉस्फोलाइपेज ए, ये दो एंजाइम हैं। ये दोनों एंजाइम क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं कि कोलेस्टेरॉल जो है, कोलेस्टेरॉल जो है या फॉस्फोलिपिड जो है, वहाँ से फैटी एसिड को सेपरेट करने का फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम है, कोलेस्टेरॉल एंजाइम, कोलेस्टेरॉल एस्टर हाइड्रोलेज और दूसरा है फॉस्फोलाइपेज ए, दोनों एंजाइम हैं, कोलेस्टेरॉल एस्टर का डाइजेशन कर रहे हैं और फॉस्फोलिपिड का डाइजेशन कर रहे हैं और उनके अंदर जो फैटी एसिड प्रेजेंट है वहाँ से उसको रिमूव करने का फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, देखिए उसके बाद आपको बताऊं कि ये आरएनए है, आरएनए का डाइजेशन किया जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा बता दूं, देखो बेटा क्या होगा कि आप ये याद रखिए, ये आरएनए और डीएनए दोनों क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड, दोनों ही क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, याद रखना है आपको, ये न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कौन करेगा, न्यूक्लियेजेज, न्यूक्लियेजेज, ठीक है, न्यूक्लियेजेज एंजाइम न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेगा चाहे वो आरएनए हो चाहे डीएनए हो। आरएनए का डाइजेशन करने के लिए राइबोन्यूक्लियेजेज, डीएनए का डाइजेशन करने के लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेजेज, दोनों दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेजेज एंजाइम डाइजेस्ट करेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, उनको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब आगे क्या रहेगा, आगे ये होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड बना, अभी जो डाइजेशन से न्यूक्लियोटाइड बने, राइबोन्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, अब न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट कौन करेगा, न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करेगा न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करेगा और उसे किस में कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड थे, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड बने, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बने, अब न्यूक्लियोसाइड को वापस डाइजेस्ट किया जाएगा, न्यूक्लियोसाइड को वापस से क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड को डाइजेस्ट करने का फंक्शन रहेगा न्यूक्लियोसाइडेज का, ठीक है, और न्यूक्लियोसाइडेज जो है वो न्यूक्लियोसाइड का डाइजेशन करके उसको पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट कर देगा। देखिए बेटा किसी भी केमिकल का जब डाइजेशन होगा ना तो वो जिससे मिलकर बना है वही हमें लास्ट में मिलेंगे।
अब हमने आरएनए और डीएनए के बारे में पढ़ रखा है कि आरएनए और डीएनए जो होते हैं वो पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस, ठीक है, इन सब से मिलकर बनते हैं। तो जब आरएनए और डीएनए का डाइजेशन हुआ तो लास्ट यूनिट भी हमें यही मिली, ठीक है ना, और यही इनके बनने का सीक्वेंस है। पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस ये जुड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है न्यूक्लियोसाइड हो गया, ये इनको न्यूक्लियोसाइड बोल दिया। न्यूक्लियोसाइड बोलने के बाद जो है वो इनके साथ है, क्या ऐड होता है ताकि ये न्यूक्लियोटाइड बन जाए, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए कि न्यूक्लियोसाइड के साथ ऐसा क्या ऐड किया जाए कि वो न्यूक्लियोटाइड बन जाए, ठीक है। फिर न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं और आरएनए और डीएनए बना लेते हैं। ये था आरएनए या न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। उसके बाद देखिए, द एंजाइम प्रेजेंट इन एंटेरोसाइट सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कैरी आउट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज एज फॉलोज। अब जो एंटेरोसाइट ने जो डाइजेस्टिव जो केमिकल प्रोवाइड किया, वो उनका डाइजेशन किस तरह से होगा, देखिए। दीज एंजाइम्स आर बॉडेड ऑन आउटर सरफेस ऑफ माइक्रोविलाई। जो हमने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के आउटर सरफेस में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, वहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही फूड इनके कॉन्टेक्ट में आता है तो ये इनको डाइजेस्ट करते हैं। कैसे? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ। देखो, न्यूक्लिक एसिड, फैट, प्रोटीन, इनके बारे में कंप्लीट बात हो चुकी है। अभी बात करनी है, क्योंकि अभी तक ग्लूकोज नहीं बना है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट यूनिट ग्लूकोज है, तो जब तक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक डाइजेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है कि प्रोटीन से अमीनो एसिड बन गए, ठीक है, फैट से फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो है वो बन गए, मोनोग्लिसराइड बन गया। उसके बाद हमने देखा न्यूक्लिक एसिड से जो है वो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर बन गई, मतलब उनका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब कार्बोहाइड्रेट में देखिए, सुक्रोज बना था, सुक्रोज को फर्दर डाइजेशन होगा सुक्रेज एंजाइम की हेल्प से, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। माल्टोज जो है उसको डाइजेस्ट माल्टेज करेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में दो ही ग्लूकोज यूनिट बनेगी, ठीक है, क्योंकि माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है, उसमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो जो माल्टोज का डाइजेशन हुआ तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गए। लैक्टोज जो है, लैक्टोज का डाइजेशन हुआ तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बना। एल्फा लिमिट डेक्सट्रिन, एल्फा लिमिट डेक्सट्रिन जो है उसका डाइजेशन एल्फा लिमिट डेक्सट्रिनेज एंजाइम ने किया और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा। सुक्रोज का डाइजेशन हुआ माल्टोज का डाइजेशन माल्टेज, लैक्टोज का डाइजेशन लैक्टेज, एल्फा लिमिट डेक्सट्रिन का डाइजेशन एल्फा लिमिट डेक्सट्रिनेज, ये सब एंजाइम करेंगे। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड जो थे, पॉलीपेप्टाइड का डाइजेशन अमीनो पेप्टाइडेज की हेल्प से होगा और डाइपेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। डाइपेप्टाइड का डाइपेप्टाइडेज करेगा और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं, ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं उनको इंटेस्टाइनल लाइपेज डाइजेस्ट करेगा और फैटी एसिड प्लस टू मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये सब फंक्शन रहेंगे डाइजेशन के। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। अब आपको याद रखना है बेटा, देखिए ये अभी तक हम ये मान के चल सकते हैं, हमने पहले पढ़ लिया था कि डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। कहने का मतलब, अब यहाँ डाइजेशन फूड का कंप्लीट हो चुका है, फूड इज़ नाउ कंप्लीटली डाइजेस्टेड। अब क्या करेंगे, जब फूड का डाइजेशन हो गया तो हम फूड को कहाँ पहुँचाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में जब पहुँचेगा तभी तो हर बॉडी सेल को मिल पाएगा। तो अब कनेक्टिव टिश्यूज़ में, या हम ये कहें सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो डाइजेस्टेड फूड को डालना, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस और जो आगे की प्रोसेस है, हमने अभी तक इंजेशन पढ़ लिया है, इंजेशन के बाद हमने डाइजेशन पढ़ लिया है, डाइजेशन के बाद अभी भी तीन प्रोसेसेस जो हैं वो हमारी बाकी रह रखी हैं। तो उन तीनों के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आज हम हमारे लेक्चर को ओवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपके पास रहूँगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।